नमस्कार उर्मिस कुकिंग एंड ब्लॉगिंग चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आई हूँ। अगर ये प्रोडक्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा नया नया वीडियो आपको देखने मिले। तो चलो नया प्रोडक्ट रिव्यू करना है हमको आज। वो प्रोडक्ट है न्यूट का एक्सपोज योर सेल्फ आफ्टर रिमूवर लोशन है ये। पहले तो हम लोग रिमूवर का दिखाई थे आपको, ये है रिमूवर के बाद लगाने का लोशन, आफ्टर हेयर रिमूवर लोशन है ये। जो बाल को हम लोग वैक्सिंग या रेजर से साफ करते हैं उसके बाद इसको लगाना है। जैसे कि रेसेस आ जाते हैं, कोई किसी किसी को स्किन ड्राई होने लगता है रिमूवर के बाद, तो जो रिमूवर क्रीम भी लगाते हैं उसका स्मेल को भी दूर करेगा। और जो रिमूवर के बाद जिसके स्किन में जैसे रेसेस आ जाते हैं, कोई खुदरा लगता है, जैसे स्किन सॉफ्ट नहीं लगता है, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी। बहुत ही ये स्किन फ्रेंडली है ये लोशन। आप इसको यूज़ करें, देखिए इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, इसमें पंप दिया हुआ है और इस तरह से इसको आपको लगाना है। इस तरह से पंप से निकाल कर और देखिए जिस डायरेक्शन से आप बाल इरेजर किए हैं उसे इस तरह का मैं लगा कर भी दिखाऊंगी इस तरह से आपको, तो आपकी स्किन को ये स्मूथ रखेगा। बहुत ही स्किन फ्रेंडली है ये लोशन, आप ज़रूर यूज करें। रिमूवर के बाद आप 2-3 दिन तक इसको यूज करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और आपके पीएच बैलेंस को ये बैलेंस रखेगा, इम्बैलेंस होने नहीं देगा। और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ और बताती हूँ। आप अगर लेना चाहें तो इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए आपको पास से दिखाती हूँ मैं। चलिए इरेजर करके मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इरेजर करके क्रीम को यूज़ करना है। देखिए मैं मेरे हाथ का रिमूवर कर ली हूँ, अब आपको लोशन लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से इसमें पंप है, इसको निकाल कर इस तरह से लगाना है और इसका एक ही डायरेक्शन में मसाज करना है जब तक कि क्रीम आपके स्किन में एब्जॉर्ब न कर ले। एब्जॉर्ब करने तक आपको अच्छे से मसाज करना है। देखिए एब्जॉर्ब हो चुका है, स्किन बहुत ही सॉफ्ट लगती है। देखिए बहुत ही अच्छी क्रीम है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है न्यूट का एक्सपोज योर सेल्फ आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन, और मैं आपको ये नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और देखिए इसमें बताया गया है कि ये आपके स्किन पे कैसे काम करेगा, इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रिकॉशंस इसमें सब चीज़ें दी गई है। जैसा कि आपको वीडियो में पहले बताया भी गया है कि ये आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, और जैसा कि आप हेयर रिमूवल के लिए कोई क्रीम या फिर वैक्स यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है उसे भी दूर करता है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाए रखता है, लंबे समय तक ड्राई होने नहीं देता है, जो भी रैसेस इचिंग वगैरह होती है रिमूव करने से हेयर, वो सबको ये दूर करता है। और इसकी जो प्राइस है वो है ओनली 290 रुपीज़, तो आप इसे ईज़िली परचेस कर सकते हैं। और इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो 2 ईयर की होती है, तो आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो आपको करना क्या है कि आपको जाना है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे हमने लिंक डाल दिया है, जल्दी से आप लिंक को टच करके आप प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं वहाँ से। तो जल्दी से जाइए और प्रोडक्ट को परचेस कीजिए। इसके बाद अब नहा धोकर खाना वाना बनाएंगे हम लोग, आज गाँव जाना है, पास में है गाँव, तो हम लोग लेट में निकलेंगे, 11 बजे तक निकलेंगे। पहले खाना वाना बना लेते हैं, मेरी बेटियाँ मेरी सासू माँ सब घर में रहेंगी, हम ही लोग जाएंगे। जल्दी खाना वाना बना लेंगे। देखिए भाजी वजी हम लोग सब साफ कर रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे खाना। इधर चढ़ा रही हूँ मैं दाल, गैस में जल्दी ही बन जाता है, टाइम नहीं लगता है खाना बनाने को। मूंग वाली दाल बनाऊंगी, जल्दी ही बन जाएगी।
इस तरह से मैं दाल बनाती हूँ। देखिए जितने जने के लिए उतने बार निकाल लेंगे हाथों से, इस तरह से बनाएं। जितने भी आदमी आते हैं आपके घर, जैसे मेहमान आ जाते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस तरह से हाथ में माप कर लगाएं, कन्फ्यूज़ होना नहीं पड़ता है। देखिए नमक हल्दी और ये है पपीता, काट कर डाल दी हूँ। माँ ही नहीं खाती है ऐसे ही सब्ज़ी बनाओ तो दाल में डाल देने से, दाल बहुत पसंद है उसको, खा लेती है। तो बच्चों को पपीता देना चाहिए कच्चा वाला, आप किसी तरह भी दें बच्चों को सब्ज़ी बनाकर, बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। लौकी पपीता तो मैं दाल में डालकर माही को खिलाती हूँ पपीता कच्चा वाला, पका वाला तो ऐसे ही खाती है लेकिन कच्चा वाला भी खिलाना चाहिए। और देखिए इधर फोई की भाजी, बड़ा बड़ा वाला फोआ का भाजी बना रही हूँ मैं, पत्ता वाला गोभी, मटर आलू डालकर बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्ज़ी। सब्जियाँ मिक्स करके पत्ता गोभी वाला सब्जी एक तो बनाएंगे, और इसमें बम्बो सीप डालेंगे जिसको संबलपुरी में हलवा बोलते हैं, बड़ा वाला पोई का भाजी है ये, उसको साफ करके धो ली हूँ मैं, काट लेंगे और बनाएंगे। मेरी मझली वाली बेटी हेल्प कर रही है कटाई में, फिर जल्दी जल्दी बना लूँगी मैं खाना। कट गई हमारी सब्जी धुलकर, अब बना लेंगे सब्जियों को भी, उसके बाद हम लोग तैयार होकर निकलेंगे। मसाला देखिए निकाल ली हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर रख दूँगी, थोड़ा सा फूलने के बाद ठीक रहता है। टमाटर भी डाल दी हूँ, जीरा लहसुन मिर्च, और इधर दाल पक रही है, देखिए मसाला हमारा पिस गया। इधर बना लेंगे भाजी, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैं, दाल भी हमारी देखिए हो जाएगी, अब सीटी आने लगी है। और इधर भाजी को हम लोग थोड़ा सा उबाल कर बना लेंगे, देखिए टब में मैं पानी डालकर अच्छे से धो लूँगी उसको। और धुल गई हमारी भाजी, देखिए उबलने के लिए डाल दी हूँ, थोड़ा ही उबालना है। इधर दाल भी हमारी दो सीटी आ गई, दाल को भी अब निकाल लेंगे और भाजी को डालकर ढक्कन डाल दी हूँ मैं। दाल हमारी तैयार हो गई, भाजी भी हमारी उबलने के लिए चढ़ गई है। और देखिए इधर भाजी भी अच्छे से उबल गई है, दाल को मैंने बंद कर दिया है, अब बना लेंगे भाजी। इसी तरह से मैं पोहे वाला भाजी बनाती हूँ, देखिए बम्बो सीप डालकर निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसमें लहसुन मिर्च सरसों और जो हंडवा है उसको बम्बो सीप को डालेंगे, टमाटर के साथ फ्राई करेंगे और पकी हुई सब्जी को उसमें डालेंगे। अभी दाल का गैस नहीं निकला है, दाल का गैस निकल जाने के बाद हम लोग दाल को फ्राई करेंगे और उसी में गोभी बना लेंगे। इधर भाजी भी मेरी बन रही है, देखिए सरसों डाल दी मैं, मिर्च डाल देंगे, देखिए दाल का सीटी भी निकल गया है। अब चढ़ा लेंगे, चावल भी इधर तैयार हो गया है इंडक्शन में, मैंने इसको पसा लिया है और थोड़े से बसा लेंगे ताकि नीचे का भी जो पानी पानी है वो सूख जाए। चावल भी पक गए, दाल भी पक गई है, दाल को बस छोंक लगाना बाकी है, भाजी के बाद दाल को भी छोंक लगा लेंगे। भाजी को भी देखी मैंने बम्बो सीप टमाटर डालकर बना लिया है, ये भाजी जल्दी ही तैयार हो जाती है। देखिए चावल भी हमारा पक गया है, उसना वाला चावल बनाते हैं हम लोग सुबह। इधर भाजी हमारी तैयार हो गई, मैंने डिटेल से नहीं दिखाया है, जल्दी था गांव जाने के लिए, तो इस
इसमें बॉम्बे सीप पर टमाटर डाली हूँ बस। अब लगा लेंगे दाल में चौंक। प्रेशर में सीटी बजाकर थोड़ा सा दाल को मैं उबालती हूँ। भाजी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और तैयार हो जाएगी हमारी भाजी भी। अब इसको टिफ़िन में निकाल लेंगे। उसके बाद फिर बनाएंगे गोभी वाली सब्ज़ी। आपको गोभी वाली सब्ज़ी अगर जल्दी से बनाना है तो प्रेशर में उसको सीटी बजा दें और फिर कढ़ाई में उसको मसाले वसाले डालकर फ्राई कर ले, जल्दी ही बन जाता है। इसी तरह से बनाऊंगी मैं। और मेरी बड़ी बड़ी बेटियां भी जाने वाली थी तो जल्दी जल्दी खाना पकाए थे हम लोग, लेकिन बस टाइम में नहीं जा रहा है इसलिए वो लोग नहीं गए, हम लोग बाइक में ही गए हैं। जल्दी ही खाना बना लिए थे, जाने के लिए सुविधा नहीं हुआ तो वो लोग नहीं गए, हम ही लोग गए थे। तो लोग घर में ही रहेंगे, बाद में हमारा डिसीजन चेंज हो गया। माही को लेकर हम तीनों जने जाएंगे, माही के पापा और मैं। और देखिए इधर दाल फ्राई करने के लिए मैं छोटा वाला कढ़ाई चढ़ा ली हूँ मैं, इसी में फ्राई करके डाल देंगे दाल को। सरसों मिर्च लहसुन डालेंगे सिर्फ, मूंग की दाल में इतना ही छौंक लगाते हैं। और उसके बाद हमारा तैयार हो जाएगा दाल भी, इसी में डाल देंगे दाल को सरसों चटक जाने के बाद। हो गई हमारी दाल फ्राई, इसी में गोभी को भी पका लेंगे। पत्ता वाली गोभी है, दो सीटी लगा लो तो अच्छे से पक जाती है पत्ता गोभी। और उसके बाद टमाटर भी उसी में डाल देंगे, बस मसाला थोड़ा फ्राई करके उसमें डालना है। देखिए दाल हमारी तैयार हो गई। आपको अगर मिक्स वाली दाल है तो थोड़ा इस तरह से घूंट लें, मथनी में मथ लें, अच्छे से मेल्ट हो जाती है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। उबल चुकी है हमारी दाल, अब पका लेंगे पत्ता गोभी उसी प्रेशर में। देखिए इसी में सारी सब्जियों को मैंने काट कर धो कर छान लिया है। पत्ता गोभी बैंगन बटर आलू सब है इसमें। बिना पानी के ही उबालेंगे इसको, खुद ब खुद पानी निकल जाता है इसमें इसी तरह डाल देने से। और देखिए सभी को मैं डाल दे रही हूँ सारी सब्जियाँ इसमें। सारी सब्जियाँ डल गई, अब इसमें नमक हल्दी टमाटर डाल देंगे। देखिए कटा हुआ टमाटर था भाजी का थोड़ा सा, और उसमें गोल वाला टमाटर भी डाल देंगे जितना लगेगा, और नमक और हल्दी स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ मैं, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे इसको बिना पानी के, अपने आप इसमें पानी निकल जाएगा। देखिए ऊपर आ गया है तो थोड़ा सा दबा दी हूँ मैं, ऊपर में ही थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ ताकि नमक नीचे चला जाए, नहीं तो सब ढक्कन में आ जाएगा। उसके बाद देखिए पक जाने के बाद निकाल कर मैं उसको कढ़ाई में मसाले फ्राई करने के लिए ऑयल डाल दी हूँ, और इसमें मसाले भी डाल दी हूँ। मैंने पीस लिया था मसाला ग्राइंडर में, आपको बताई थी मैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी हूँ मैं इसमें। बस डाली हूँ मैं सूखी वाली मिर्च लहसुन और जीरा, कुछ ज़्यादा नहीं डालना है पत्ता गोभी में। और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली हूँ मैं। मसाले फ्राई हो जाने के बाद देखिए थोड़ा सा मिर्च पाउडर, अच्छे से मसालों को फ्राई करके फिर डालेंगे हम लोग पकी हुई सब्ज़ी। देखिए अच्छे से पक चुकी है हमें सब्ज़ी। गोल वाले टमाटर को थोड़े से फ्राई करने के लिए डाल दी हूँ मसालों के साथ। पाउडर वाले मसाले हों तो और जल्दी पक जाता है, ये पिसा हुआ गीला मसाला था तो थोड़े फ्राई करना पड़ता है इसको। और देखिए इसके बाद सब्जियाँ डाल देंगे इसमें।
इस तरह से प्रेशर कुकर के बनाएं पत्ता गोभी की सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी बनती है, अच्छे से पकती भी है, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप लोग बनाएं तो और बहुत ही अच्छी लगती है, पत्ता गोभी अच्छे से पकी रहती है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का। इस तरह से बनाएं, देखिए मिक्स हो गई सब्ज़ी। आपको अगर पसंद है तो इसमें कुछ सब्ज़ी वाला मसाला भी डाल सकते हैं, पर हम लोग पसंद नहीं करते हैं ऐसे बाहर का मसाला ज़्यादा, तो नहीं डाली हूँ, बस पिसा हुआ मसाला डाली हूँ। और हम लोग जब भी खाते हैं पिसा हुआ मसाला तो घर में ही बनाते हैं ज़्यादातर, जीरा धनिया पाउडर वाउडर। देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार होगी, उसमें डाल देंगे कुछ धनिया की पत्ती। देखिए इस तरह से रखी हूँ मैं धनिया की पत्ती, फ्रेश है पूरा, काट कर डाल देंगे इसमें। अभी पत्ता गोभी की सब्ज़ी इस तरह से बनाएं बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश पत्ता गोभी भी और धनिया की पत्ती भी, और अभी मटर भी मिल रहा है फ्रेश। तो देखिए तैयार हो गई हमारी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना। देखिए खाना बनाने के बाद मैं सभी तरफ साफ़ कर दे रही हूँ और जल्दी था जल्दबाजी में बनाई हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।